अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। वैवाहिक महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से शुरू होता है और शाम को चंद्रमा निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों पानी पीकर ही महिलाएं ये व्रत खोलती हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को 21 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। करवा चौथ व्रत उदय तिथि से मान्य होता है, इसीलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। दोस्तों, करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति जी की पूजा करती हैं और चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। दोस्तों, करवा चौथ से संबंधित बाकी सारी जानकारियां जानने से पहले हम आपको उस बात के बारे में बता देते हैं जो आज हमारी वीडियो का विषय है। तो दोस्तों, करवा चौथ को जब महिला रात को चांद देखने के बाद अपने व्रत का पारण करती है तो पति को अपनी पत्नी को अपने हाथों से जल पिलाना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, जिससे कि व्रती महिला को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ऐसा करने से आपके दोनों के रिश्ते को विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, करवा चौथ की रात को ये काम जरूर करें ताकि आपका व्रत सफल हो जाए। आइए अब करवा चौथ के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, बहुत जल्द ही सुहागिनों का इंतजार खत्म होने वाला है। करवा चौथ व्रत सुहागिनों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार करवाता है। करवा चौथ व्रत सुहागिनों के लिए बहुत खास होता है। ज्योतिषार्य बताते हैं कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव, मां पार्वती और कार्तिकेय के साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसे बिना अन्न व जल ग्रहण किए सूर्य उदय से चंद्र उदय तक किया जाता है। दोस्तों, ज्योतिषचार्य के अनुसार करवा चौथ को कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। कर्क व करवा मिट्टी का वह पात्र होता है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजन में करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है, इसलिए इस व्रत को सुहागिने पूरी विधि विधान से करती हैं। करवा चौथ के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान आदि कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर की सफाई करके घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को नमन करके करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, जिन घरों में सर्गी ग्रहण करने का विधान है वो महिलाएं सर्गी जरूर खाएं। करवा चौथ के व्रत में सर्गी विशेष महत्व रखती है। ये एक तरह की रस्म होती है। इसमें सास अपनी बहू को सुहाग का सामान, फल, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ देकर सुखी वैवाहिक जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। परंपरा के अनुसार सर्गी में रखे व्यंजनों को ग्रहण करने से इस व्रत का शुभारंभ किया जाता है। यदि किसी महिला की सास ना हो तो यह रस्म उसकी जेठानी या फिर बहन भी कर सकती है। दोस्तों, सर्गी की थाली में क्या क्या होना चाहिए? सर्गी की थाली में सूखे मेवे, नारियल पानी, फल, मिठाई, 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, काजल, पायल, बिछुआ, महावत, सिंदूर, गजला, लाल साड़ी, कंघी, मांग टीका आदि होना चाहिए। जहां आप करवा चौथ की पूजा करती हैं उस स्थान को साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लीप लें, फिर रौली और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा रख लें। साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा रख कर इनकी पूजा करें।
करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवे का उपयोग करें तो अच्छा है, आप किसी धातु से बने करवे का भी उपयोग कर सकते हैं। करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं, इनके मुख पर मौली बांधें, इस करवे को अपनी क्षमता अनुसार अन्य शक्कर या सूखे मेवे से भरें, साथ में एक सिक्का भी रखें और इसका मुख दिए से ढक दें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। अतः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जल पात्र से 3 बार आचमन करें और चौकी पर दीप प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती लगाएं, इसके बाद पुष्प और माला चढ़ाएं। अब ओम गण गणपते नमः का 11 बार जाप करें। प्रथम पूज्य भगवान गणेश और करवा माता को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल और अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, इसे गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल करवा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ से लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेट लें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित करें, साथ ही घर में बने पकवान मिष्ठान भोग रूप में चढ़ाएं। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में माता करवा, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। आइए इसी के साथ अब हम आपको करवा चौथ की कथा भी बताते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही आज मैं भोजन करूँगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। दोस्तों अब पूजा के बाद रात में चांद के निकलने की प्रतीक्षा रहेगी। करवा चौथ पर चांद रात 8:15 पर निकलेगा। इस समय पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करेंगी और अर्घ्य देगी, उनके बाद पारण करेंगी। करवा चौथ पर अर्घ्य देने की विधि। दोस्तों चंद्रमा के निकलने के बाद 1 लोटे में जल भर कर रख लें, फिर उसमें सफ़ेद फूल,
कच्चा दूध और अक्षत डाल दें, फिर चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद चंद्र देव को प्रणाम करें, अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना कर लें। चंद्रमा की कृपा से सुखी और समृद्धि बढ़ती है। अर्घ्य के समय चंद्रमा को छलनी से देखना ना भूलें। उसके बाद पति अपनी पत्नी को मिठाई खिलाकर और पानी पिलाकर व्रत का पारण कराते हैं, इससे व्रत पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पर कपड़े बाजार से नए खरीदें या फिर पुराने पहने? क्या करवा चौथ पर पुरानी ड्रेस पहन सकते हैं? और जानिए करवा चौथ पर पति अपनी बीवी को ऐसा क्या उपहार दे जिससे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो आपको बता दूं, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया कि कोई भी स्त्री करवा चौथ की पूजा पाठ में नए वस्त्र पहने। आपको बता दें, एक सुहागिन स्त्री के लिए उसका पुराना शादी का जोड़ा बहुत महत्व रखता है। खासकर करवा चौथ में पुराने शादी के जोड़े का होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराना शादी का जोड़ा हो तो करवा चौथ में चार चांद लग जाते हैं और पति को ऐसा नज़ारा देख कर खूबसूरत प्यार भरा पुराना वक्त नजर आता है। वहीं आप करवा चौथ पर नए वस्त्र पहनकर भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं और ऐसा करना शास्त्रों में गलत नहीं माना गया है। अगर आप अपने मन के अनुसार वस्त्र पहनते हैं तो बाजार से खरीद कर नया वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन करवा चौथ में शादी का जोड़ा होना या फिर शादी की चुनरी का होना सबसे अहम माना गया है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और किन किन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफ़ेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने, ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशियों का त्यौहार माना जाता है, ऐसे में धारदार चीज़ें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा करने पर पति पत्नी में झगड़े आदि हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें, आपका व्रत खंडित हो सकता है, ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचें। दोस्तों, नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले सिक्के या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई घड़ियां बिल्कुल भी ना हो। अगर ये तीलियां टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और बाजार से दूसरी खरीद लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी राशि के अनुसार श्रृंगार करें तो करवा महारानी की अपार कृपा मिलती है। मेष ज्योतिषार्य के अनुसार अगर आपकी राशि मेष है तो आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आपको करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या फिर लहंगा पहनना चाहिए, आपके लिए यह शुभ रहेगा। अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपको करवा चौथ पर सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, माना जाता है कि ऐसा करने से कभी इनके पति के प्यार में कमी नहीं आती। मिथुन राशि की महिलाओं को सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि इनकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर इसी रंग की चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए, माना जाता है कि ऐसा करने से व्रत का दुगना फल मिल सकता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, तो इस राशि की महिलाओं को लाल सफ़ेद रंग की साड़ी, जैसे लाल में सफ़ेद बॉर्डर या सफ़ेद साड़ी में लाल बॉर्डर की साड़ी के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर आप पूजा करें तो शुभ रहेगा। सिंह राशि की महिलाओं को बता दें कि इस राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, तो इस राशि के महिलाओं को लाल, नारंगी यानी ऑरेंज, गुलाबी और गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से आपको करवा माता का वरदान जल्द ही मिल सकता है। कन्या, अगर आपकी राशि कन्या है तो इस राशि के स्वामी बुध हैं, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, हरा या गोल्डन रंग की साड़ी या सूट या फिर लहंगा पहनकर पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से इन महिलाओं को पूजा का शुभ फल मिल सकता है। तुला, अगर आपकी राशि तुला है तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, सिल्वर या गोल्डन रंग के कपड़े व चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल तुरंत प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक, इस राशि के स्वामी मंगल हैं, इसीलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, मेहरून या गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए, इससे पति पत्नी के बीच में प्यार भी बढ़ेगा।
धनु, अगर आपकी राशि धनु है तो इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसीलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना इन महिलाओं के दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर, अगर आपकी राशि मकर है तो इस राशि के स्वामी शनि हैं, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इनके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। कुंभ, अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस राशि के स्वामी भी शनि है, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर नीले या फिर सिल्वर रंग के कपड़े और ज्वेलरी पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। मीन, अगर आपकी राशि मीन है तो इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो इस राशि की महिलाओं के लिए करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा। इसके साथ ही गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनना भी आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर पति अपनी बीवी को ऐसा क्या उपहार दे जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और धन की देवी माँ लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। नंबर 1, सोना चांदी तांबा पीतल। नंबर 2, मेकअप का सामान। नंबर 3, हीरे मोती। नंबर 4, कोई नई खूबसूरत ड्रेस। नंबर 5, आप उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड आदि या धन दे सकते हैं। नंबर 6, फूल सर्वश्रेष्ठ उपहार के तौर पर माना जाता है, ऐसे में आप उन्हें फूलों में गुलाब का फूल दे सकते हैं। इसके आगे शास्त्रों में कहा गया है कि हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ पीछे है और इसे प्यार का प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों, मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपा देवी माँ पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, जरूरी बातें। नंबर 1, करवा चौथ के लिए किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग का कपड़ा करवा चौथ के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लाल रंग का कपड़ा खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाल रंग का कपड़ा बहुत अच्छा माना गया है। वहीं हरा, गुलाबी, पीला, ऑरेंज आदि भी पहना जा सकता है। दोस्तों, नंबर 2, खास करवा चौथ के दिन पति अगर अपनी पत्नी को उपहार देना चाहता है तो ये कभी भी ना दे, जैसे धारदार चीजें, जूते, चप्पल और सफेद कपड़ा आदि। इन चीजों को उपहार के तौर पर गलती से भी ना दे। पति अगर करवा चौथ के दिन लाल रंग का कपड़ा या कोई भी लाल वस्तु उपहार में दे तो अति उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।